हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ALB वर्सेस TRA फुल स्टैक प्लस इन्फो, यानी कि L1O वर्सेस ट्रेंटिनो एक्वेल भी जो ECS मिनल T10 का मैच नंबर 34 खेला जाना है। यह मैच जो 30 अप्रैल को शाम 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू जो रहेगा सेम रहेगा, आर्टिफिशियल पिच है। फोकस जो करने प्ले स्टेट पर करने, एवरेज स्कोर 85 के आसपास दिख जाएगी। जो जरूर रहेगा वो रहेगा लास्ट टाइम अपडेट फाइनल टीम। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको लिंक से ही आना है, विदाउट लिंक के आते हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाएंगे। तो देखिए, L1O की टीम जो है अभी तक 5 मैचेस खेली है, 5 में से 5 मैचेस हार के आ रही है। बट मैं बता दूँ, इस मैच में थोड़ा सा वापसी करने के चांस है, हो सकता है कि यह मैच जीत जाए, क्योंकि दोनों ही टीमें लगभग एक जैसे ही है। कहीं ना कहीं एडवांटेज है L1O की टीम की। तो देखिए, मोनूलाल इनके तरफ से ओपन करेंगे। पहले मैच में तो शानदार रहे थे, सेकेंड मैच में भी शानदार रहे थे, इसके बाद से थोड़ा सा प्रदर्शन गिरा है, क्योंकि सामने की टीमें थोड़ी सी स्ट्रांग थी। और इनके तरफ से जो है मोनूलाल के साथ अरविंद कुमार, दोनों ही प्लेयर शानदार है। बट अरविंद कुमार लास्ट के 2 मैचेस में थोड़े से नीचे बल्लेबाजी किए हैं, बट दोनों मैचेस में इन्होंने सारे मैचेस में 2-2 ओवर की गेंदबाजी की है। तो ये प्लेयर CBC के लिए भी अच्छे ऑप्शन है, और ये भी प्लेयर, दोनों प्लेयर्स अच्छे हैं। हाबिद नसीर जब भी खेले हैं 2 मैचेस ओपन किए हैं, ध्यान रखिएगा कभी कभी ठीक ठाक खेल लेते हैं। बाकी देवजीमा है जो कि लास्ट के कुछ मैचेस में वो ओपनिंग प्लस 1 डाउन भी आए हैं, प्लस ये जो है अच्छी नॉक भी खेले हैं, 8वां 10वां ओवर कभी कभी डाल लेते हैं। तो देवजीमा भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिल्कुल आपकी टीम में होने चाहिए। अनमोल सिंह को इस मैच में आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले विकेट कीपर थोड़ा नीचे बल्लेबाजी करते हैं। बट देखना रहेगा अनमोल सिंह को इस मैच में किस नंबर पर मेंशन किया जाता है। रंजीत सिंह भी इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा गेंदबाजी भी करवाई जा सकती है। लास्ट के कुछ मैचेस से गेंदबाजी नहीं किए हैं, क्योंकि इस मैच में 2 ओवर में 49 रन दे दिए थे, बाकी बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं। प्रवीण कुमार पहले मैच में गेंदबाजी नहीं किए थे, बाकी मैचेस में जो है इन्होंने लास्ट के दो मैचेस में गेंदबाजी किए हैं, और 2 विकेट भी लास्ट मैच में लेके गए थे। नंबर 5 पे बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। एमी निर्मल को लास्ट मैच पे 1 ओवर में 23 रन पड़ गए थे, हो सकता है कि इस मैच में इनके थोड़े ओवर से कट जाए। ध्यान रखिएगा पहला 3रा ओवर डालते हैं। अजय कुमार उतना कुछ खास प्लेयर्स है नहीं, ध्यान नहीं देना है। कुलदीप सिंह भी खेलते हैं, ध्यान नहीं देना है। हरदीप सिंह भी खेलते हैं, तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं। भारती बंगर जब भी विकेट लेते हैं सीधा 2-3 विकेट लेके जाते हैं, ध्यान रखिएगा ओपनिंग में बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हैं, 2रा 4था ओवर डालने आ जाते हैं। रविंदर सिंह 2 मैचेस खेले, कुछ खास नहीं किए हैं। गुरजीत सिंह अभी तक खेले हैं, सिर्फ फील्डिंग करते हुए नजर आए, कभी कभी ये बॉलिंग कर लेते हैं। जसवीर कुमार खेलते हुए तो ध्यान देना नहीं है, विजय कुमार खेलते हुए तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। अब आप इनके फुल स्टैट देख सकते हैं, ECS स्टार्ट होने से पहले जो भी मैचेस खेले थे, जितने भी मैचेस खेले थे, रिसेंट फॉर्म वगैरह जो भी चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं जो स्क्वाड में शामिल है। सिंह हरदीप खेलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, तो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से और भी जो प्लेयर्स हैं उन पर ध्यान रखना है। जिस भी प्लेयर का स्टेट देखना चाहते हैं आप बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। रैयान इब्ना हुसैन अभी तक 1 भी मैच नहीं खेले हैं, बाकी जो भी प्लेयर्स हैं आप इन लोग के देख लेंगे। बाकी अब हम बात करेंगे ट्रेंटिनो एक्वेला की। तो देखिए, ये इनका दिन का दूसरा मैच रहने वाला है। पहले वाले मैच में देख लीजिए कौन से प्लेयर कैसा करते हैं, उस हिसाब से इस मैच में भी आप उनको स्कोर में शामिल करेंगे। अभी तक अदील अहमद 2 मैचेस में ओपन किए हैं, 0 और 20 किए हैं। मिर्जा बेग पहले मैच में ओपन किए थे, उसके बाद खेले नहीं है। लवप्रीत सिंह पहले मैच में 1 डाउन 9 रन, उसके बाद ओपन आके 14 रन, थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं लवप्रीत, ये एडवांटेज है। आशिक अवैस दोनों मैचेस में ठीक ठाक खेले, पिछले सीजन इनके नाम 1 हाफ सेंचुरी भी था, तो अच्छे खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा। उस्मान अरशद की बात कर ले तो 1 मैच खेले हैं, नंबर 5 पर आके 2 रन। अली साकिब अरशद जो कि बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे, ऑलराउंडर वाला काम करेंगे, 6 और 7 पर है, 7 और 0 किए थे, 2 ओवर की गेंदबाजी किए हैं, डेथ में गेंदबाजी कर लेते हैं। गुरप्रीत सिंह थोड़ी सी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी कर लेंगे, अच्छे खिलाड़ी है, ध्यान रखिएगा सिलेक्शन कम है। कमरान हुसैन इनके विकेट कीपर बल्लेबाज, अभी तक उतना कुछ खास नहीं किया। जवाद अहमद दोनों मैचेस में 2-2 विकेट निकाले हैं, डेथ में गेंदबाजी कर लेते हैं। चौधरी अदिल 6वां 8वां 5वां 8वां ओवर डाले हैं, 2-1 3 विकेट 2 मैचेस में लिए हैं। सदाकत अली लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे, डेथ में गेंदबाजी कर लेते हैं। बिलाल शाहिद खेलते हुए तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, कमर रजाक खेलते हुए तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। बाकी आप इनके फुल स्टेट देख सकते हैं, जिस भी प्लेयर का देखना चाहिए उन सारे प्लेयर के स्टेट्स अवेलेबल है जो कि स्क्वाड में शामिल है। आप उन लोगों के फुल स्टेट्स आराम से देख सकते हैं। कुछ न्यू प्लेयर्स अगर खेलते हैं इनमें से, तो आप उनके स्टेट वाइज अपने टीम में ट्राई करेंगे। जैसे कि एक प्लेयर्स आपको मिल जाएंगे, आतिफ सलीम राजा, जब भी खेलते हैं ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से आपको और भी कुछ इस प्रकार से प्लेयर्स मिलेंगे, मारो खेल क्यार जाए, इनका भी ध्यान रखना है। बाकी जो भी प्लेयर्स हैं आप उन पर ध्यान दे दीजिएगा। बाकी अब हम चलते हैं अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस हम वहीं पर करेंगे। बाकी अभी के लिए देखिए, मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ से अनमोल सिंह को लिया हूँ। क्यों लिया हूँ? क्योंकि ये लोग बहुत नीचे बल्लेबाजी करते हैं, अनमोल सिंह थोड़ा सा 1 डाउन आ सकते हैं। यहाँ से देखिए, अब मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से ए कुमार को लिया हूँ, क्योंकि ये ओपनिंग या फिर टॉप 4 में आ जाएंगे, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी देंगे। मैं इनके साथ जा रहा हूँ,
क्योंकि एक ऑलराउंडर प्लेयर्स है। बाकी देखिए अवेश को आप ले सकते हैं किसी और के जगह पे ट्राई करना चाहते हैं, या तो फिर ए अहमद को भी ले सकते हैं क्योंकि ये ओपन आते हैं। ये दो प्लेयर्स हैं जिनको ट्राई कर सकते हैं। हामिद नसीर एक डिफरेंशियल पिक रहेगी क्योंकि ये भी लास्ट के दो मैचेस में ओपन किया रही है, ओपनिंग बैट्समैन भी है। बाकी देखिए यहाँ पे और मुझे उतने कुछ खास पिक दिख नहीं रहे हैं, मैं अभी के लिए ए कुमार के साथ गया हूँ। मैं यहाँ पे ए अवेश को आप लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। मैं यहाँ से मोनू लाल को लिया हूँ, यहाँ से मैं देव शिवा को लिया हूँ और जवाद अहमद को लिया हूँ। बट मैं आपको बता दूँ यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। एल सिंह जो कि लास्ट मैच में ओपन आए थे, अतीफ सलीम राजा खेलते ध्यान रखिएगा आपके टीम में होने चाहिए। सिंह हरदीप भी ट्राइबल रहेंगे, ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक ठाक प्रदर्शन किए हैं T20 के अंदर। बाकी यहाँ से मैं जवाद अहमद को लेके जा रहा हूँ। यहाँ से देखिए मैंने सदाकत अली को ले लिया हूँ, बी बंगर को ले लिया हूँ, अली साकिब अरशद को ले लिया हूँ। यहाँ से मैं प्रवीण कुमार को ले लिया हूँ कि जो लास्ट मैच में गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों ठीक ठाक किए थे। गुरजीत सिंह को ले लिया हूँ जो कि अच्छे प्लेयर्स हैं। बाकी मैं यहाँ से ए निर्मल को अभी ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट मैच में इनको 1 ओवर में 23 रन पड़ गए थे। बट आप लेना चाहते हैं पहले गेंदबाजी आए तो ट्राई कर लीजिएगा। बाकी आर अबना हुसैन है जिनको अगर खेलते तो ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ से सी अदेल के साथ गया हूँ, यहाँ से एम करजा खेलते तो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ से और कुछ खास ऑप्शन है नहीं। मैं यहाँ से अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जी सिंह के साथ गया हूँ और अभी के लिए अपनी जो है डेमो टीम कुछ इस प्रकार से बनी है। बात कर ले अपनी सीबीसी की तो इस मैच में अपनी कैप्टनसी मनोहर लाल को जाएगी। बीसी के लिए मैं यहाँ पे ए कुमार मेरे सेकंड चॉइस है, उसके बाद देव चुमा है। बाकी प्रवीण कुमार को भी आप कर सकते हैं और यहाँ से जवाद अहमद को भी कर सकते हैं। अभी के लिए अपनी जो है कैप्टनसी गई है मनोहर लाल को, बीसी गई है ए कुमार को। ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम एंड अपडेट आपको मिलेगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और टॉप के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया हूँ और कुछ हेल्प हुई तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।